प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिया के बारे में, यानी कि नील शुक्राणु के बारे में। अगर आपके वीर्य में शुक्राणु की मात्रा जीरो है तो आपको एंजियोस्पर्मिया है। एंजियोस्पर्मिया के होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप समय पर सोते नहीं हैं, समय पर जागते नहीं हैं, ये समय पर खाना नहीं खाते, टेंशन या स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये भी आपके नील शुक्राणु होने का कारण हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक बीमार रहे हैं, लंबे समय तक आपने एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया है, किसी कारण से चोट लगने से, झटका लगने से आपके टेस्टिस में दर्द रहता है या सूजन हो गई है, तो ये कारण भी आपके नील शुक्राणु होने का हो सकता है। सबसे पहले हम आपका सीमेन एनालिसिस कराते हैं या वीर्य की जाँच कराते हैं, और उस रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी समस्या क्या है। अगर आपकी रिपोर्ट में नील शुक्राणु आया है तो उसके बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके उस रिपोर्ट में पल्स सेल्स कितने हैं। अगर पल्स सेल्स एक दो हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर पल्स सेल्स 10, 15 या 20 है तो इसका मतलब आपके वीर्य में इन्फेक्शन है। अगर आपके वीर्य में इन्फेक्शन है तो भी शुक्राणु मर जाते हैं। दूसरा जो रिपोर्ट्स में देखने वाली चीज़ है वो थी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में फ्रुक्टोज पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके अंडकोश में कहीं ना कहीं शुक्राणु बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे। अगर आपके फ्रुक्टोज की रिपोर्ट नेगेटिव है तो इसमें आपके शुक्राणु नहीं बन रहे। आम तौर पर शुक्राणु की मात्रा 50 से 60 मिलियन और 50 से 60% मोर्टेलिटी होनी चाहिए। मोर्टेलिटी मतलब गतिशीलता। अगर है तो ये नॉर्मल है। अगर आपकी रिपोर्ट में शुक्राणु नील आया है तो उसके कारणों को जानने के लिए वीर्य की जाँच के साथ साथ हम स्कोटम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि कहीं आपकी नसों में ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर इन दोनों रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि उसमें क्या समस्या है, किस वजह से नील शुक्राणु आ रहा है, तो उस हिसाब से हम इसका इलाज कर सकते हैं और इसका इलाज संभव है। इसलिए आप अपने वीर्य की जाँच की रिपोर्ट यानी कि सीमेन एनालिसिस और एक स्कोटम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और मेरे को कॉल करके आप परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत। जय आयुर्वेद। जय हिंद।